25 फरवरी 2024 को सिटी सेकेंडरी स्कूल बाबूपेट चंद्रपुर में वर्ष 1980-82 के सेवानिवृत्त शिक्षकों और पूर्व छात्रों के लिए एक पुनर्मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सबसे पहले शिक्षकों का अभिनंदन, उनका स्वागत किया गया, साथ ही उनका परिचय कराया गया। इस दौरान उपस्थित शिक्षकों ने अपने अपने भाषण से अन्य लोगों का मार्गदर्शन किया और सभी अतिथियों को उपहार वितरित करने के साथ ही कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम की सफलता के लिए दिवाकर रामटेके, शंकर देव गड़े, दीपक तामगड़े, राममोहन राम गुंड मवार आदि ने अथक परिश्रम किया। प्रकारे 1980 मध्ये जे बॅच होता आज गेट टुगेदर करण्यात आलाय, काय नेमका काय प्रकरण? आज बरेच आमच्या सगळ्या मित्रांची एक कल्पना होती की अशा भेटी काही होत नाही आणि आम्हाला ज्या गुरूंनी घडविलं त्या गुरुजनांची एक उपकाराची परतफेड व्हावी कोणत्या ना कोणत्या कारणाने, त्यानिमित्ताने आम्ही आज सगळे आमची जे 1980-10 बॅच, त्याच्यानंतर काही मित्रमंडळी 1978-1979-10 बॅच, हे सगळे मित्र आम्ही आज या निमित्ताने एकत्र जमलो, एक गेट टुगेदरचा कार्यक्रम इथे घेतला आणि याच कार्यक्रमाच्या निमित्ताने आम्ही आज आम्ही आमच्या गुरुजनांचे त्यांच्या उपस्थितीत त्यांचे उपकार मानू, त्यांनी आम्हाला जे घडविलं आणि त्यांच्यामुळे आम्ही आज इथपर्यंत पोहोचलो। कसं वाटत आहे मागील काही वर्षांपासून काही भेट नाही झाली, मित्र भेटून कसं वाटत आहे? आज या सगळ्यांना इथे भेटून इतका अतीव आनंद झाला की तो आम्हाला शब्दात सांगणे जरा अवघड होत आहे। सगळ्यांच्या भावना आज उचंबळून आल्या आहेत, त्यामुळे सगळे मित्र आज इतके खुश आहेत की जवळपास 42-43 वर्षाचा हा कालावधी लोटून गेला, कोणाची कोणाला परस्पर भेट होत नव्हती, पण या व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून एकमेकांचे फोन नंबर घेऊन आम्ही आज हा कार्यक्रम घडवून आला, सगळ्यांना अतीव आनंद होत आहे। सर, मागील काही वर्षांपासून हा भेट झाली नव्हती आणि 40-50 वर्ष झाल्यानंतर आज गेट टुगेदर करण्यात आला, कसं वाटत आहे? आणि आपण जे गुरुजन आहे, जे आपण शिक्षक म्हणून आज गेट टुगेदर करण्यात आलं, कसं वाटत आहे? खरोखरच आज जीवनातील आम्हाला मला अत्यानंद वाटत आहे, कारण हा पहिलाच कार्यक्रम त्यांनी आयोजित केलेला आहे, याच्यापूर्वी असे काही कार्यक्रम झालेले नव्हते। त्याच्यामुळं जे आमचे विद्यार्थी आहेत किंवा जे आमच्याबरोबर शिक्षक होते त्यांच्या भेटीगाठी झाल्याबरोबर खरोखर तो जुना काळ आम्हाला आठवला आणि खरो आज मी खूपच उत्साहित आहे, प्रसन्न आहे अगदी, आणि आज असं वाटत आहे का खरोखरच बा आपण पुनर्जन्म घेतला आहे अशा प्रकारे मला भास होतो आहे। नई शानदार दमदार स्टाइलिश टीवीएस जुपिटर 125 अब तक आपको मिला ज्यादा कंफर्ट, और अब आपको मिलेगा ज्यादा से भी ज्यादा कंफर्ट और कन्वीनियंस। ज्यादा सेफ्टी कौन नहीं चाहेगा? स्टोरेज, दो हेलमेट आराम से आ जाएंगे, पावर 125cc यानी ज्यादा से भी ज्यादा। नई टीवीएस जुपिटर 125 है ना, ज्यादा से भी ज्यादा। अपने सपनों को सच होता हुआ देखने के लिए तैयार हो जाइए इंस्पायर इंस्टीट्यूट IIT JEE के साथ। अनलॉक योर करियर विद इंस्पायर इंस्टीट्यूट। 2024-25 के कोर्स के लिए आज ही अपना नाम रजिस्टर करें। गेट अर्ली एनरोलमेंट बेनिफिट्स एज एक्सक्लूसिव डिस्काउंट, प्रायोरिटी एक्सेस, पर्सनलाइज्ड गाइडेंस एंड बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। इंस्पायर इंस्टीट्यूट आपको एक बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है, जो आपको क्लास 11th टू क्लास 12th तक गाइडेंस देता है विदाउट एनी बैरियर, जिससे IIT JEE और NEET में सक्सेस अश्योरेंस बढ़ जाता है। हमारे टीचर्स सबसे अच्छी सर्विस और पर्सनल गाइडेंस के साथ आपकी पूरी एबिलिटीज को स्ट्रेंथन करवाते हैं। वी हैव सम ऑफ द बेस्ट IITians, NITians एंड PhD फैकल्टीज। इंस्पायर चंद्रपुर का एक अकेला ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसने JEE एडवांस में दिया है ऑल इंडिया रैंक 480। चंद्रपुर का पहला इंस्टीट्यूट जिसने दिए एक साल में 15 MBBS सिलेक्शंस। ज्वाइन इंस्पायर इंस्टीट्यूट चंद्रपुर टू मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू। जल्दी रजिस्टर करने पे पाए 30% डिस्काउंट। तेरी कैसी, आज ही दिए गए नंबर पे कॉल करें और अपनी सीट बुक करें। महाविकास अघाड़ी के विधायकों ने राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति के लिए CM एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के खिलाफ महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान महाराष्ट्र विधानसभा अधिवेशन के दूसरे दिन विधान भवन के गेट पर विपक्ष के नेता नकली रिवॉल्वर के साथ नजर आए। उन्होंने कहा कि यह गुंडों की सरकार है, यहां पर गोलीबारी होती है। यहां बता दें कि कुछ दिन पहले उल्हासनगर पुलिस स्टेशन के अंदर शिवसेना के नेता महेश गायकवाड़ को BJP विधायक गणपत गायक
गायकवाड़ ने गोली मार दी थी। इसके बाद विपक्ष ने शिंदे सरकार को घेरा था। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने नासिक, जलगांव, चंद्रपुर और वर्धा आदि सहित महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि का मुद्दा उठाया था, जिसके कारण सोयाबीन, कपास, संतरा जैसी कई फसलों को नुकसान हुआ है। उनकी सरकार से मांग है कि फसल क्षति का निरीक्षण कराया जाए और प्रभावित किसानों को मुआवजा दिया जाए। बीते दिनों भी विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार, कांग्रेस विधायक दल के नेता बाला साहेब थोराट और अन्य विधायक विधान भवन की सीढ़ियों पर एकत्र हुए, बैनर प्रदर्शित किए गए और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ नारे लगाए। विपक्षी विधायकों ने राज्य सरकार पर कोटा के मुद्दे पर मराठा और ओबीसी समुदाय को गुमराह करने का आरोप लगाया है। बता दें कि महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग कर रहे मनोज जरांगे ने अपना अनशन खत्म कर दिया है। अपली बैंक चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बैंक मर्यादित शेतकऱ्यांची बैंक, शेतमजुरांची बैंक, महिलांची बैंक, युवकांची बैंक, जिव्हाळ्यांची बैंक, आपल्या सर्वांची बैंक, 82 शाखा व 11 पे ऑफिसेस, 5,000 कोटी खेळते भांडवलाकडे वाटचाल, सुरक्षित ठेवी, त्वरित कर्ज, ठेवीवर आकर्षित व्याजदर, लॉकर सुविधा, NEFT, RTGS, IMPS, इनवर्ड अँड ECS सुविधा, CTS, CLG, PFMS मार्फत लाभ, ATM, SMS अलर्ट व मोबाईल ATM वॅन, PM सुरक्षा विमा व जीवन ज्योती विमा योजना, 20 मिनिटात सोने तारण कर्ज अल्प व्याजदरात, शेती व्यवसायकरिता सर्व प्रकारचे कर्ज, व्यवसायाकरिता कॅश क्रेडिट व प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर्ज, पगारदार महिलाकरिता विशेष कर्ज योजना, बचत गटाच्या माध्यमातून महिलांना अल्प व्याजदरात त्वरित कर्ज, छोट्या व्यावसायिकांना त्वरित 50,000 कर्ज उपलब्ध, FPC आणि FPO अंतर्गत कॅश क्रेडिट कर्ज योजना, नाबार्ड पुरस्कृत योजना आणि इतर सर्व शासकीय योजनांसह खूप काही। आजच जवळच्या शाखेत भेट देऊन कर्ज योजनांचा लाभ घ्या। चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्यादित चंद्रपूर।